I would like to request respected Mr. Tejashwi Kumar Sharma sir to share the wisdom of words with a student. Please welcome him with a big round of applause, everyone. कमजोर फील कर रहे हैं तो फिर पढ़ाई का भी कोई फायदा नहीं, फिर जीवन ही व्यर्थ मालूम होता है। इसीलिए स्वस्थ रहने के कई माध्यम हो सकते हैं, वो स्पोर्ट्स हो सकता है, योगिक एक्सरसाइज हो सकते हैं, अदर एक्टिविटीज हो सकती हैं जो आपको पसंद होता हो। इसीलिए सभी स्कूल्स में स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है ताकि एक ऐसा दिन जो लोगों को जागरूक किया जा सके, बच्चों को जागरूक किया जा सके, उसके महत्व के बारे में बताया जा सके। तो ये एक ऐसा दिन है जो आपको अपनी एबिलिटी को उजागर करने का मौका देता है, साथ ही साथ आपको जितने भी अदर एक्टिविटीज हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। और जैसे अब हम यहाँ पे आए हैं, कोई मुझे बताएगा कि हम यहाँ पे किस लिए आए, हम किस लिए जाने जाते हैं, किसी को पता है? हैं? पता है? हाँ आइए बताइए, यहाँ आइए बताइए। और इन्होंने बताया कि मैं एक वर्ल्ड योगासन चैंपियन हूं। दोस्तों आप देखो कि जो खेल है वो अब केवल यही इस सोच तक सीमित नहीं रह गया कि अब खेलोगे कूदोगे तो क्या होगा। लेकिन आज देखो, आज मैं आप सबके सामने अपनी बात रख रहा हूं तो मैं भी स्पोर्ट्स के माध्यम से ही यहाँ पे आ पाया हूं। तो आज मुझे स्पोर्ट्स ने ही दर्जा दिया है कि मैं आप सबके सामने एक अतिथि के रूप में आ सका हूं। तो आज खेल के माध्यम से आपको जॉब, आपको जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ तो आपको नेम, फेम, जॉब इत्यादि सारी चीजें वो दे रहा है। अभी हमारे साथ आदरणीय लांबा सर बैठे हैं, उनसे पूछिए कितना महत्व है स्पोर्ट्स का या फिजिकल एक्टिविटी का डिफेंस में। तो आप डिफेंस में भी इसके माध्यम से जा सकते हैं। हाँ ब्रिगेडियर लांबा सर तो हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो आप उनसे पूछिए कि कितना महत्व है स्पोर्ट्स का, फिजिकली फिटनेस का कितना महत्व है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स वाला ही पीरियड एक ऐसा होता है जब ये आता है ना तो सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। चलिए एक बार को अगर साइंस का केमिस्ट्री का तो बच्चे सर पकड़ लेते होंगे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा पीरियड होता है जब सबके चेहरे पे स्माइल आता है। हम भी बड़े खुश हुआ करते थे कि ये पीटी का पीरियड है। और सबसे मजा तो तब आता है जब खाली पीरियड में पीटी का पीरियड लग जाए, जब कोई टीचर ना पता चले कि हमारा फिजिकलाइजेशन का पीरियड जो है लगाया गया है। तो ये एक ऐसा है जो उत्साह भर देता है सबके अंदर। खेल आज खेल तक नहीं है। देखो जो मैंने आपके सामने किया, क्या किया, योग करके दिखाया। अच्छा ये बताइए कितने लोग योग करते हैं पहले भी बताइए। अच्छा मैम भी करती है और उधर पीछे सेल्फी करते, क्या बात है। हमारे आदरणीय वाइस चेयरमैन साहब क्रिकेट लांबा सर भी करते। अच्छा ये बताइए कितने लोग मुझे देखने के बाद अब योग करेंगे।
लेकिन पीछे भी दिखाइए, पीछे सारे हाथ उठ गए हैं इधर। यही जोश और जुनून मुझे चाहिए दोस्तों, यही मेरा मकसद है यहाँ तक आने का, क्योंकि आज जिस चीज से आप जुड़ना चाहते हो वो जरूरी है, वो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारे भारतीय धर्म है, जिसे आज किसी पैसे का मोहताज नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति भी इसको करते हैं। ये मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है कि मेरी परफॉर्मेंस के माध्यम से, मेरे एक स्पीच के माध्यम से मैं हजारों बच्चों को इंस्पायर कर पाया कि वो योग से जुड़े, अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़े। अच्छा दोस्तों, योग अब केवल आसन प्राणायाम तक सीमित नहीं है, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी है, यूनिवर्सिटी गेम्स में भी है, नेशनल गेम्स में भी है, इसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होती है। और यहाँ पे कुछ बच्चों ने योग करके दिखाया भी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैंने प्रिंसिपल मैम से पूछा कि इन्हें क्या योगा टीचर सिखाती है, तो मुझे बताया कि नहीं, इन्हें तो बायो वाली मैम सिखाती है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि बताइए मैम बायो पढ़ाने के साथ साथ इन बच्चों को योग भी सिखा रही है। तो एक बार मैडम के लिए जोरदार तालियां। लगभग 20-21 बच्चों को ग्रुप में योगा सिखाना बहुत मुश्किल काम है, वो भी छोटे बच्चों को। और माइकल सर भी योग सिखाते हैं, क्या बात है, कहाँ है माइकल सर? एक बार अपने स्पोर्ट्स टीचर के लिए क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट आप लोगों ने किया है। और देखिए मैं सभी स्पोर्ट्स टीचर के रूप में अपने टीचर को ही देखता हूँ, क्योंकि बच्चों जब मैं 9th क्लास में था ना, यहाँ पे 9th क्लास के कितने बच्चे हैं, 9th का है कोई? अच्छा उधर बैठे। देखो जब मैं 9th क्लास में था तो हमारे नए नए पीटीआई आए, तो मैंने उनसे नहीं बोला कि सर ये सारे बच्चे कुछ ना कुछ वॉलीबॉल फुटबॉल क्रिकेट खेलते हैं, अब फिजिकली चैलेंज पर्सन, आई एम 60% पोलियो अफेक्टेड पर्सन, सर मैं यहाँ कोई मेरे लायक गेम है क्या, ये तो कोई खिलाते ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप वो करो जो आप बेहतर कर सकते, तो मैं योग बड़ा अच्छा करता था, तो मैंने योग को उससे जुड़ा और मैं योग में 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रहा। और नहीं, और आपको हैरानी ये जानकर तब होगी कि ये तीनों वर्ल्ड चैंपियनशिप मैंने नॉर्मल लोगों के साथ खेल के जीता, क्योंकि डिसेबिलिटी की कैटेगरी नहीं थी। तो ये जुनून, ये जज्बा, ये स्पोर्ट्स आपको सिखाता है टीम वर्क, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, फोकस, ये सारी चीजें आपको स्पोर्ट्स सिखाता है। माँ बाप को, मैं भी यहाँ बैठे हैं पेरेंट्स, उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल का जीवन में इतना महत्व है कि अगर हम फिट ही नहीं होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे, जीवन की कई कठिनाइयां बच्चों को जीवन में देखनी पड़ती है। इसके लिए ये स्पोर्ट्स आपको कई सारी चीजें सिखाता है और आपको सम्मान, जॉब इत्यादि भी देता है। इसमें कई, इसमें फैसिलिटी में कितना गिनाऊं, मैं गिना गिना के थक जाऊंगा और आपके सर आपको बताएंगे। मैं तो बस आप सबको यही कहना चाहूंगा कि करें योग, रहें योग, हमेशा खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।